Good afternoon everyone, so we are doing revision for our half yearly examinations and in previous class we did the revision for our chapter number 1 that is integer and I hope integers jo hai wo aapne kal kal mein se prepare kar liya hai. Now we will come to next chapter that is chapter number 2 fractions and decimals. In today's class we will revise these uh, this chapter actually this chapter contains two topics. फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स बिकॉज आपने क्लास सिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है तो ये हम कंबाइन होके इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं खासकर डेसिमल वाले पोर्शन में तो आपको ध्यान से चीज़ें सुननी है समझनी है एंड देन यू विल डू दी क्वेश्चन फ्राम दी असाइनमेंट एंड द एगजाम्पल आई हैव गि फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन मीनिंग ऑब्वियसली फ्रैक्शन हम सबको पता है ए अपॉन बी ठीक है दिस इज फ्रैक्शन सो ए इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर जो ऊपर की तरफ लिखा होता है एंड डी बी इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर नेक्स्ट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस ये भी हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्सड फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जैसा यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है इट मीन्स दैट इज़ टू बाई फाइव यहाँ पर टू जो है वो न्यूमरेटर फाइव डिनिनेटर से छोटा है इट मीन इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है दैट इज़ इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अगर हम किसी नंबर को फ्रैक्शन विद अ होल नंबर जैसे यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है दैट इज थ्री टू बाय फाइव तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे थ्री टू बाय फाइव तो यहाँ पे थ्री इज़ अ होल नंबर एंड टू बाई फाइव इज़ अ फ्रैक्शन तो अब जो है एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्सड फ्रॉ को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं इम प्रॉपर मिक्सड में कन्वर्ट हो सकता है मिक्स जो है वो इम प्रॉपर में कन्वर्ट हो सकता है और एक और चीज़ जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं इम प्रॉपर को हम मिक्स बनाते हैं तो उसके बाद होल नंबर के साथ में जो फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के बाद जो भी होल नंबर के साथ फ्रैक्शन बनता है वो प्रॉपर हो जाता है मतलब न्यूमरेटर वहाँ पे फिर छोटा हो जाता है डिनोमिनेटर से नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइक फ्रैक्शंस टू और मोर फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं सिंपल सी बात है अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो सारे एग्जाम्पल्स में जो डिनोमिनेटर है इट इज़ नाइन सेवन बाय नाइन फाइव बाई नाइन वन बाई नाइन सो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं जब जिनके डिनमिनेटर्स सेम होते हैं आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस या हम कोई अगर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी थ्री बाई फाइव फोर बाय फाइव बोथ हैव इक्वल डिनोमिनेटर इट मींस दे आर लाइक फ्रैक्शंस नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग एकलेंट फ्रैक्शंस इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन्स क्या होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम जब डिवाइड करें या इवन मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें तो हमारे पास सेम फ्रैक्शन आ जाए सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टू बाय थ्री फोर बाय सिक्स टेन बाई फिफ्टीन तो ये सारे इक्वी वैलेंट हैं क्यों हैं बिकॉज फोर बाई थ्री टू बाय थ्री को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं फोर बाय सिक्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमने टू से डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी हम किसी एक को कभी नहीं करते हैं करते हैं तो दोनों को करेंगे ठीक है तो हमें टू बाय थ्री मिला ऐसे ही टेन बाई फिफ्टीन को हमने फाइव से डिवाइड करा अगेन हमें टू बाय थ्री मिला टू बाय थ्री तो है ही इट्सल्फ टू बाय थ्री तो ये ऑल दी थ्री फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद सेम फ्रैक्शन बन गए इसलिए हम इनको इक्विवेलेंट वैलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं नाओ कमिंग टू एडिशन अब हम फ्रैक्शन्स का एडिशन कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझना है क्या करते हैं सबसे पहले हम जो डिनमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करते हैं इट मीन्स कि हम फ्रैक्शनस को लाइक like फ्रैक्शंस बना रहे हैं क्योंकि लाइक like फ्रैक्शन यही होते हैं ना जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे यहाँ पर फाइव बाई सिक्स प्लस थ्री बाई फोर है तो ऑब्वियसली सिक्स एंड फोर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे सेम बनाने का क्या वे होता है एल फाइंड आउट करना तो हम सिक्स एंड फोर का एल फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ ट्वेल्व तो अब हम जो है फाइव बाई सिक्स के डिनोमिनेटर को भी ट्वेल्व बनाएंगे एंड थ्री बाय फोर के डिनोमिनेटर को भी ट्वेल्व बनाएंगे आप फाइव बाय सिक्स का डिनोमिनेटर है सिक्स इसको ट्वेल्व बनाना है सिक्स को तो क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली आप टू से डिनोमिनेटर किया है तो नोमिनेटर भी करेंगे तो फ्रैक्शन इज नाउ टेन बाय ट्वेल्व सिमिलरली थ्री बाय फोर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर को कि ट्वेल्व हो जाए डिनोमिनेटर तो दैट इज़ थ्री अब फिर से वही सेम चीज़ है डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन बाई ट्वेल्व हमारा आंसर आ जाएगा अब जो है दैट इज़ टेन बाई ट्वेल्व प्लस नाइन बाई ट्वेल्व हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है अब डिनोमिनेटर को हम सिंगल लिखते हैं ट्वेल्व क्योंकि वो दोनों सेम हो चुके हैं और उसको एक ही बार लिखेंगे ठीक है कुछ नहीं करेंगे कोई सॉल्व नहीं करेंगे न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे टेन प्लस नाइन इज नाइनटीन सो आंसर विल बी नाइनटीन अपॉन ट्वेल्व नाउ सब्ट्रैक्ट में भी बिल्कुल एज इट इज़ ही करेंगे सेम एग्जाम्पल लिया इस बार हमें माइनस करना है क्या करेंगे फाइव बाई सिक्स अगेन सिक्स एंड फोर लाइक फ्रैक्शन नहीं है डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो हम एल सी एम निकाल के पहले हम चेक करेंगे क्या एल सी एम आया है ट्वेल्व तो अब हम दोनों के डिनोमिटर्स को ट्वेल्व बनाएंगे कैसे ट्वेल्व बनाएंगे सोचेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है ऑब्वियसली सिक्स टूज ट्वेल्व फोर थ्री जर ट्वेल्व तो आंसर्स बन गए अभी फिर से डिनोमिनेटर्स को हम सिंगल लिखेंगे एंड देन न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर देंगे टेन माइनस नाइन इज वन सो आंसर विल बी वन बाय ट्वेल्व नाउ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी ईजी इसमें हम क्या करते हैं न्यूमरेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो टू फोर्टीनज आर ट्वेंटी एट सेवन सिक्स और फोर्टी टू लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है अगर आपको कुछ कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ठीक है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जैसे टू बाय सेवन इंटू फोर्टीन बाई सिक्स एक तो हमने डायरेक्टली कर लिया ट्वेंटी एट बाई फोर्टी टू दूसरा हमने क्या किया ट्वेंटी एट बाई फोर्टी टू को हमने टू से डिवाइड किया सिंप्लीफाई किया या हम मल्टीप्लाई करने से पहले भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं जैसे ऊपर फोर्टीन था और नीचे सेवन था तो हम सेवन वन जार सेवन सेवन टू जार फोर्टीन ये भी कर सकते हैं सिमिलरली टू ऊपर था सिक्स नीचे था डिनोमिनेटर में तो हम इसको भी लिख सकते हैं टू वन जार टू एंड टू थ्री जार सिक्स वहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो मल्टीप्लाई से पहले नाउ रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन का इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर फाइव बाई नाइन है तो नाइन ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा और फाइव नीचे डिनोमिनेटर बन जाएगा नेक्स्ट थिंग इज डिवीज़न डिवीजन में क्या होता है डिवीज़न अगेन थोड़ा सा चेंज होता है बट स्टिल इट इज़ सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले हम यहाँ पे दो स्टेप्स एक साथ करते हैं दैट इज़ डिवीजन को हम मल्टीप्लाई बना देते हैं एंड जो सेकेंड नंबर होता है दैट इज सिक्स बाय फोर्टीन जो यहाँ पे है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब फोर्टीन को ऊपर एंड सिक्स को नीचे कर देंगे सो नंबर विल बी टू बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन बाय सिक्स तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हमने बोला न्यूमरेटर्स को अलग से एंड डिनोमिनेटर्स को अलग से लेकिन उससे पहले अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करके नेक्स्ट इज़ वन मोर थिंग अगर हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कभी भी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें उसको पहले इम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकते चाहे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो प्लस हो या माइनस हो एंड प्लस माइनस में तो हमें उसको लाइक like फ्रैक्शन भी बनाना पड़ता है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सिमिलरली अगर हमारे पास कोई होल नंबर है दैट इज थ्री जस्ट लाइक तो थ्री के नीचे तो कुछ नहीं है ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं तो उसको हम डिनोमिनेटर में वन पुट करके फ्रैक्शन पहले बनाएंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे आफ्टर फ्रैक्शन लेट्स कम टू डेसिमल ऑल्सो डेसीमल में क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले तो हम किसी भी डेसीमल को रीड कैसे करते हैं ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं गलत गलत रीड करते हैं 46.68 सिक्स पॉइंट सिक्स एट ऐसे रीड किया जाएगा इसको ठीक है ये ध्यान रखना है सिक्सटी एट रीड नहीं करते डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को अलग अलग डिजिट्स रीड करते हैं देन कमिंग टू द कंपेरिजन हम कैसे कंपेयर करते हैं दो डेसिमल नंबर्स को हमेशा ध्यान रखना है टू डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें उन नंबर्स के डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जैसे यहाँ पे है थर्टी सिक्स पॉइंट टू सेकेंड नंबर इज़ थर्टी सिक्स पॉइंट वन टू अब यहाँ पे तो पॉइंट के बाद सिर्फ टू है ओनली वन डिजिट जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं वन टू तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट जो है पॉइंट के राइट right साइड पर सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स बना सकते हैं या yeah. तो हमने क्या किया इसको थर्टी सिक्स पॉइंट टू ज़ीरो ले लिया एंड इसको ले लिया थर्टी सिक्स पॉइंट वन टू कर दिया हमने सेम डिजिट कैसे करना है बस राइट साइड पे एक जीरो पुट कर देना नंबर ऑफ डिजिट्स अब पॉइंट के राइट साइड पे इक्वल हो चुकी हैं टू जीरो भी टू डिजिट्स हैं वन टू भी टू डिजिट्स हैं अब हम पॉइंट हटा के जो नंबर बनता है उनको कंपेयर करेंगे दैट इज़ थ्री सिक्स टू जीरो एंड थ्री सिक्स वन टू ये दोनों नंबर्स बन गए हमारे पॉइंट हटाने के बाद इन दोनों में से जो नंबर भी बड़ा होगा दैट नंबर विल बी बिगर इवन इन द डेसिमल फॉर्म ऑल्सो तो अगर थ्री सिक्स टू जीरो इज बिगर नंबर तो इसका मतलब थर्टी सिक्स पॉइंट टू जीरो इज बिगर और ग्रेटर सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं दैट थर्टी सिक्स पॉइंट टू इज ग्रेटर दैन थर्टी सिक्स पॉइंट वन टू नाउ यूनिट कन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेसिमल की फॉर्म में अगर हम इसको समझें तो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है आपको ये आप एक तरीके से याद कर सकते हो लर्न कर सकते हो इसको कि जब हम हमें छोटी यूनिट गिवन होती है हम उसको ग्रेटर यूनिट में बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वी ऑलवेज डिवाइड द नंबर और जब हमें बड़ी यूनिट गिवन होती है और हम उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पे सपोज हमें ग्राम दिया है और हमें इसको किलोग्राम में बदलना है तो ऑब्वियसली किलोग्राम बड़ी यूनिट है ना इसका मतलब हम उसको बिगर यूनिट में बदल रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए ठीक है अब हमने डिवाइड कर दिया तो अब क्या है किलो किलो वर्ड कहीं पे भी आए किलोमीटर हो किलोग्राम हो या एनी थिंग एल्स जहाँ पे भी किलो आता है दैट मीन्स आपका थाउजेंड का रिलेशन है तो इसका मतलब आपको थाउजेंड से डिवाइड करना है अब थाउजेंड से डिवाइड करने का क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये नंबर एक्चुअली सिमिलरली मीटर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन किलोमीटर अभी मिलीग्राम से ग्राम में बदलना है ग्राम बड़ी यूनिट है मिलीग्राम छोटी यूनिट थी ठीक है अब फिर से मिली में भी थाउजेंड का रिलेशन होता है ये ध्यान रखना है आपको मिलीग्राम में दिया हुआ है ग्राम में कन्वर्ट करना है ग्राम में बदलना है तो ग्राम तो बड़ी यूनिट है बड़ी यूनिट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमने वन बाय थाउजेंड कर दिया अब वन बाय थाउजेंड का फिर से मीनिंग क्या हुआ जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन इसका मतलब आपको ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो वन से मल्टीप्लाई करना है थाउजेंड से डिवाइड करो या फिर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन से मल्टीप्लाई करो सेम चीज़ है अभी पैसा और सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो इनका रिलेशन हंड्रेड से होता है फिर से मुझे पैसा गिवन है और मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है रुपीज़ तो बड़ी यूनिट होती है तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं क्योंकि पैसा और सेंटीमीटर में हंड्रेड का रिलेशन है तो इस बार हम वन बाय हंड्रेड करेंगे हंड्रेड से डिवाइड करेंगे एंड हंड्रेड से डिवाइड करने का क्या मीनिंग है जीरो पॉइंट जीरो वन से मल्टीप्लाई करना अब आते हैं हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जब भी हमें डेसिमल नंबर्स को एड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए उसके हिसाब से आप सारी डिजिट्स लिखोगे तो मतलब जब हम डेसिमल नंबर्स को लिखते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे पहले आप उसका पॉइंट लिखो पॉइंट के बाद फिर लेफ्ट साइड में डिजिट्स जाती रहेंगी और पॉइंट के राइट right साइड में डिजिट्स जाती रहेंगी अब जैसा कि यहाँ पे था 631.7 तो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा सेवन लिखा सेवन के राइट right साइड में कुछ नहीं था लेकिन 36.64 में आपकी दो डिजिट्स थी पॉइंट के राइट साइड में तो आपने डिजिट्स को इक्वल कर दिया वो आप सबको पता ही है एक जीरो पुट करके एंड उसके बाद आपको नॉर्मल नंबर की तरह विदाउट जस्ट लुकिंग एट द पॉइंट आपको पॉइंट पे अब ध्यान नहीं देना अब आप जैसे नॉर्मल नंबर सॉल्व करते हो प्लस करते हो माइनस करते हो राइट साइड से स्टार्ट करके वैसे आप प्लस करोगे बट पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा ये ध्यान रखना है आपको तो ऐसे ही हम माइनस भी करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के बस हमें डेसिमल डिजिट्स का ध्यान रखना है किसी भी नंबर में जब पॉइंट नहीं होता है तो वो पॉइंट उसके सबसे राइट साइड पे लगा देते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं है तो ज़ीरो ज़ीरो लगा दो नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम नंबर्स को एज अ होल नंबर हम पहले उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे यहाँ पे ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फिफ़्टी वन पॉइंट फोर नाइन है हमने दोनों नंबर्स को एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 236 मान लिया एंड इसको मान लिया 5149 दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर भी आ गया 1215164 ठीक है अब हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है क्योंकि हम तो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा वो देखने के लिए हम क्या करते हैं हम पॉइंट के राइट right साइड पे यानी कि पॉइंट के बाद में दोनों नंबर्स के मिलाकर कितनी डिजिट्स हैं अगर हम फर्स्ट नंबर देखें तो वहाँ पे पॉइंट के बाद सिक्स इसका मतलब ओनली वन डिजिट सेकेंड नंबर देखें तो पॉइंट के बाद फोर नाइन टू डिजिट्स टोटल कितनी डिजिट्स हो गई थ्री हो गई पॉइंट के बाद तो आंसर में हम ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएंगे जहाँ पे पॉइंट के बाद हमें थ्री डिजिट्स नजर आए तो हमने फाइव और वन के बीच में पॉइंट लगा दिया क्यों क्योंकि अब पॉइंट के बाद में हमें थ्री डिजिट्स नंबर नज़र आ रही हैं दैट इज़ वन सिक्स फोर नाव मल्टीप्लाई जब हम करते हैं टेन हंड्रेड और थाउजेंड से अगेन इट इज़ ईजी हमें क्या करना होता है पॉइंट को सिर्फ शिफ्ट करना है आपको कौन सी साइड में मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम पॉइंट को राइट right साइड में शिफ्ट करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके आंसर बड़ा आता है हमेशा ठीक है तो राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे जितने ज़ीरो हैं उतनी बार शिफ्ट करेंगे अगर वन ज़ीरो है तो एक बार शिफ्ट करेंगे तो सिक्स से सिक्स और सेवन के बीच में जो पॉइंट था वो राइट right साइड पे एक डिजिट से शिफ्ट होके सिक्स के बाद आ गया हंड्रेड से किया तो राइट right साइड आप फिर से राइट right साइड पे दो बार शिफ्ट होगा तो अब वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा पहले सिक्स से आगे गया फिर टू से भी आगे गया तो कहाँ पे पॉइंट आ गया टू के बाद आ गया दैट इज़ फोर सेवन सिक्स टू पॉइंट जीरो एंड बिकॉज पॉइंट के बाद जो जीरो होता है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं तो नंबर जो है दैट विल बी फोर सेवन सिक्स टू ओनली सिमिलरली थाजेंड से करना है तो हम पॉइंट को राइट right साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे थ्री डिजिट्स तक तीन बार शिफ्ट करेंगे तो तीन बार शिफ्ट करेंगे एक बार किया तो सिक्स के बाद गया दूसरी बार गया तो टू के बाद गया एक और बार शिफ्ट किया तो वहां पे तो कुछ था ही नहीं तो हमने जीरो कर दिया उसको तो नंबर जो है थाउजेंड से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया फोर सेवन सिक्स टू जीरो पॉइंट जीरो अब फिर से वही सेम चीज है पॉइंट के बाद का जीरो हम इग्नोर कर सकते हैं तो हम जो है इसको इग्नोर करेंगे नाउ डिवीज़न एक और चीज़ हम दो नंबर्स का डिवीजन कैसे कर सकते हैं सिंपल अगेन डिवीजन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम पॉइंट्स हटाएंगे पॉइंट्स कैसे हटाते हैं पॉइंट हटा के जो भी जैसे न्यूमरेटर है तो हम उसके डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे जैसे यहां पे ट्वेल्व पॉइंट एट फाइव तो पॉइंट के बाद टू डिजिट्स थे एट फाइव तो हम डिनोमिनेटर में टू जीरो वाला नंबर लिख देंगे डिनोमिनेटर में नीचे जो नंबर था दैट वाज टू पॉइंट फाइव तो इसके अपोजिट साइड यानी कि न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद वन डिजिट थी फाइव तो इसका मतलब वन जीरो वाला नंबर इसके अपोजिट साइड इसका मतलब न्यूमरेटर में हम टेन लिख देंगे अब टेन और हंड्रेड में अगर हम देखें तो वन जीरो वन जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो नंबर बन जाएगा वन बाय टेन और वन टू एट फाइव अप ट्वेंटी फाइव को हमने फाइव से सिम्पलीफाई किया तो वी गॉट टू फिफ्टी सेवन अप फाइव और इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा फिफ्टी वन पॉइंट फोर अप टेन फिर से टेन से आप डिवाइड कर रहे हो ठीक है अब टेन से डिवाइड करने का क्या मतलब बनता है आप क्या करोगे टेन से डिवाइड करने का मतलब है आप उसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करोगे जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम राइट शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड करने के लिए हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो अगेन अभी नंबर सेम था टेन से डिवाइड करना है तो हमने लेफ्ट टाइप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो अभी सिक्स से पहले था तो पॉइंट हो जाएगा सेवन से पहले सिमिलरली हंड्रेड किया तो दो बार शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में एंड थाउजेंड है तो तीन बार शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं नाउ हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं सपोज करो हमारे पास ये नंबर है सिक्सटी थ्री पॉइंट वन टू जीरो फाइव डेसीमल नंबर्स को हम ऐसे ही पढ़ते हैं अभी हमने सीखा तो अब क्या है यहाँ पे फाइव का जो प्लेस है हमने प्लेस वैल्यूज पढ़ी हुई हैं लेकिन हमने प्लेस वैल्यूज कैसे पढ़ी हैं कि थ्री का प्लेस होता है वंस सिक्स का प्लेस होता है टेंस बट इस फाइव की प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बिकॉज़ ये डेसिमल के और भी छोटी तरफ है जितना राइट right साइड में डेसिमल पॉइंट के जाते जाते हैं वो नंबर उतना छोटा होता जाता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है तो इसका बहुत सिंपल सा वे है ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है वन टू थ्री फोर्थ डिजिट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसका जो प्लेस वैल्यू बनती है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन जस्ट लाइक की ये सेकेंड डिजिट होती है डेमल से पहले तो हम वन एंड उसके बाद एक जीरो लगाते हैं सिमिलरली अगर हमें फाइव का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज पॉइंट जीरो 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 वन सिमिलरली अगर हमें टू का प्लेस फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी जीरो पॉइंट जीरो वन इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं नाउ वन मोर क्वेश्चन दिस इज़ एग्जांपल थर्टी फ्रॉम योर एग्जाम्पलर क्वेश्चन अगेन रीड करने की आई थिंक मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं एक रोप है जो नाइन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग है उसमें से कुछ छोटे छोटे पीसेस करने हैं और हर एक पीस जो है वो वन पॉइंट नाइन मीटर का है तो ऐसे कितने पीसेस कर सकती हूँ मैं इस रोप से कैसे करेंगे लेंथ ऑफ रोप इज़ नाइन पॉइंट फाइव मीटर लेंथ ऑफ ईच पीस इज़ वन पॉइंट नाइन मीटर नाउ नंबर ऑफ पीसेज जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है इट इज़ अ ग्रेटर वैल्यू ऑब्वियसली रोप लंबी थी बड़ी थी जो पीसेज होंगे वो तो छोटे होंगे ना इट मीन्स इट इज़ स्मॉलर वैल्यू ठीक है सेम थिंग है ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है तो ऐसे केस में हम वी ऑलवेज डिवाइड बिगर नंबर बाई अ स्मॉलर नंबर तो हम इस तरीके से डिवाइड करके नंबर ऑफ पीसेस बता सकते हैं कि हम नाइन पॉइंट फाइव मीटर लंबी रोप से कितने वन पॉइंट नाइन मीटर के पीसेस कट कर सकते हैं अब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के लिए ऑब्वियसली हमने पहले भी सुन पढ़ा है कि हमें पॉइंट जो है वो हम ध्यान में नहीं रखते हैं नॉर्मल डिवीज़न करते हैं बट इसका एक और वे हो सकता है नाइन पॉइंट फाइव डिवीज़न को हम अप ऑन लिख सकते हैं वन पॉइंट नाइन अब आपको ध्यान से सुनना है करना क्या है हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो इस ये क्योंकि न्यूमरेटर है तो इसके डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइड पे मतलब ऊपर से हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी वन तो इसके डिनोमिनेटर में वन जीरो वाला नंबर लिख दिया दैट इज टेन अब आते हम नीचे इसमें भी पॉइंट है इसको भी हटा देंगे पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के अगेन राइट साइड पे वन डिजिट है तो ऑबियसली इसके ऑपोजिट साइड यानी कि न्यूमरेटर पे फिर से वन तो जीरो है, है तो अब हमारे पास बच गया नाइनटी फाइव डिवाइडेड बाय नाइनटीन विच वी ऑलवेज नो दैट इज फाइव इसका मतलब हम फाइव पीसेस कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है हाउ वी विल सॉल्व दिस यहां पे क्या है सबसे पहले तो हमने जैसा अभी बोला कि हम फ्रैक्शंस को कभी भी इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते सबसे पहले हमें इसको इंप्रॉपर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम इसको इंप्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चन विल बी थ्री टू थ्रीज आर सिक्स प्लस वन सेवन ऐसे ही करते हैं कन्वर्ट ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे में। और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा टू तो टू थ्री सिक्स प्लस वन सेवन ना ये दोनों तो ऑलरेडी हैं इनका तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है आप हम आते हैं जब हमारे पास ये एक तरीके से वन बाय डिनोमिनेटर है ठीक है इसको सॉल्व करने का एक वे है एक ही वे है कि हम क्या करेंगे इस तरीके के नंबर्स को हम जब ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो अब न्यूमरेटर बन जाएगा तो ये जो टू डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर बन जाएगा एंड इट विल बी सेवन सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा अब हम इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का हमें पता है एक वे कौन सा वे है तीनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सेवन फाइव एंड थ्री का एंड हम सब को एलसीएम फाइंड आउट करना आता है ना no, एलसीएम इज वन हंड्रेड फाइव ठीक है हम सबको पता है इस तरीके से एलसीएम निकलता है सेवन फाइव थ्री एक एक करके हम टेबल्स रीड करते हैं एंड ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम अब क्या है वन हंड्रेड फाइव मुझे सेवन को भी वन हंड्रेड फाइव बनाना है डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल करते हैं ना तो हम सेवन को भी वन हंड्रेड फाइव बनाएंगे फाइव को भी एंड थ्री को भी अब कैसे करके बनाएंगे टू बाय सेवन नाउ टू बाय सेवन मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन से सो दैट इट विल बिकम वन हंड्रेड फाइव तो अभी डिनिनेटर है तो न्यूमरेटर भी करेंगे हम तो फिफ्टीन टू जार थर्टी फिफ्टीन सेवन जार वन हंड्रेड फाइव सिमिलरली एट बाय फाइव तो हम इसको एक साथ कर देते हैं टू बाय सेवन फिफ्टीन बाय फिफ्टीन ये वन थिंग हो गई दूसरा जो है दैट इज़ एट बाय फाइव इसको हमें वन हंड्रेड फाइव कैसे बनाना है ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई करके ठीक है ये आपको देखना है आप सबको पता है कैसे फाइंड आउट करना होता है इसको ठीक है एंड सिमिलरली जो हमारा टेन बाय थ्री है उसको हम वन हंड्रेड फाइव कैसे बनाएंगे थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करके तो आप जो है क्योंकि डिनोमिनेटर्स किए हैं तो न्यूमरेटर भी किए हैं फाइव फिफ्टीन टू ज़ार थर्टी बाय वन हंड्रेड फाइव प्लस ट्वेंटी वन एट ज़ार वन सिक्सटी एट बाय वन हंड्रेड फाइव प्लस टेन थर्टी फाइव ज़ार थ्री हंड्रेड फिफ्टी बाय वन हंड्रेड फाइव और अब हम डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम हो गए हैं तो हम उनको एक बार लिखेंगे सिंगल टाइम एंड न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे सो इट विल बिकम एट देन फाइव प्लस सिक्स इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन वन विल बी कैरी मैं सेम प्लेसिस को ऐड कर रही हूँ थ्री प्लस वन फोर प्लस वन फाइव सो नंबर विल बी फाइव हंड्रेड फोर्टी एट अपॉन वन हंड्रेड फाइव अब अगर आपको इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है तो यू कैन डू दैट अदरवाइज दिस विल बी आर आंसर और यू कैन कन्वर्ट इन टू मिक्सड फ्रैक्शन ऑल्सो आप सबको पता है मिक्सड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं 105 से हम डिवाइड करेंगे 548 को एंड डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे जो रिमेंडर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं रिमेंडर एंड 105 विल बी एज इट इज इस तरीके से हमारा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा